तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले गुरुवार यानी कि 15 अगस्त के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2, जिसने सिनेमाघरों में 18 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में 19वां दिन चल रहा है, यानी कि फिल्म का तीसरा सैटरडे और तीसरा संडे भी कंप्लीट हो चुका है और आज फिल्म का तीसरा मंडे है। लेकिन दोस्तों, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, अपने छुट्टियों के दिनों में जो स्त्री 2 कमाई कर रही है, पिछले संडे को भी फिल्म ने बहुत शानदार कलेक्शन किया था और इस संडे को भी फिल्म ने एक बार फिर से कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा है। लेकिन बावजूद इसके आज मंडे के दिन भी फिल्म पूरी दुनिया के अंदर हाउसफुल नजर आ रही है और फिल्म के कलेक्शन में अभी तक कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि स्त्री 2 अपने पहले 18 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 19वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का 19 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा, सारी बातें इस वीडियो में करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी स्त्री 2 फिल्म पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, साल 2018 में रिलीज हुई थी फिल्म स्त्री, यानी कि इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था। वो पार्ट भी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आया था और तभी से फैंस स्त्री 2 का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और दोस्तों यही वजह रही। और वैसे खास करके मैंने खुद ये फिल्म देखी है। जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था तो मैंने ये सोचा था कि जैसे कि स्त्री मैंने पहले देखी थी तो उसमें मुझे कोई उतना ज्यादा कोई खास मजा आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो, ये फिल्म इतना पैसा कमा रही है, बढ़िया चल रही है, तो चलो देख के आते हैं। तो मैं देखने गया तो वाकई मानना पड़ेगा, शुरू से लेकर आखिर तक एक सेकंड के लिए भी आप कहीं बोर नहीं होते हो। फिल्म में कॉमेडी है और हॉरर जो है सरकटा भाई, कमाल की एक्टिंग है। राजकुमार राव हो या फिर इसके अलावा पंकज त्रिपाठी हो या फिर श्रद्धा कपूर, हर किसी ने कमाल की एक्टिंग की। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जिस तरह से फिल्म की कहानी को गढ़ा गया है वो शानदार है, क्योंकि फिल्म की कहानी आपको कहीं भी बोर नहीं करती है, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरपूर है फिल्म। ये एक हिंदी लैंग्वेज की कॉमेडी हॉरर फिल्म थी जो कि अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी थी, जिसकी कहानी को लिखा था नरेन भट्ट ने। फिल्म में हमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपरा शक्ति खुराना अहम किरदारों में नजर आई थी। फिल्म का जो ऑफिशियल बजट था वो लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास था। अगर मैं स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो फिल्म ने अपने प्रीमियर शोज से 14 अगस्त को 9 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। उसके बाद 15 अगस्त को जब ये फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में तो फिल्म ने सिर्फ इंडिया के अंदर 55 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन था प्रीमियर शोज का मिला के वो 64 करोड़ 80 लाख रुपए था। वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से लगभग 84 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा फिल्म को 4 दिनों का वीकेंड मिला था, क्योंकि चौथे दिन अपने पहले संडे को फिल्म ने 58 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म का 4 दिनों का वीकेंड रहा था 204 करोड़ रुपए इंडिया से नेट। वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 283 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। उसके बाद फिल्म ने 15वें दिन कमाए थे 9 करोड़ 10 लाख रुपए। 16वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 9 करोड़ 25 लाख रुपए का और दोस्तों 17वें दिन स्त्री 2 ने कमाए थे 17 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी कि अपने तीसरे सैटरडे को। तो फिल्म की जो 17 दिनों की ऑफिशियल कमाई थी वो 480 करोड़ 25 लाख रुपए इंडिया से नेट हो गई थी। वहीं फिल्म ने जो इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन था वो 568 करोड़ 24 लाख रुपए का कर लिया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 118 करोड़ रुपए और कुल मिला के 17 दिनों में फिल्म स्त्री 2 पूरे वर्ल्ड से 686 करोड़ 24 लाख रुपए कर चुकी थी। 18वां दिन यानी कि फिल्म का तीसरा संडे रहा 24 करोड़ 10 लाख रुपए का। हालांकि मेरी उम्मीद तो ये थी कि कम से कम 20 करोड़ रुपए करे ये फिल्म, लेकिन उम्मीदों से कई गुना ज्यादा, यानी कि 24 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई फिल्म ने 18वें दिन की और फिल्म की 18 दिनों की कमाई 504 करोड़ 35 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुकी है। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 720 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा है और वहीं आज फिल्म का 19वां दिन है, यानी कि फिल्म का तीसरा मंडे, तो फिल्म कमा रही आज लगभग 8 करोड़ रुपए और फिल्म 19 दिनों में 512 करोड़ 35 लाख रुपए इंडिया से नेट कर जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 732 करोड़ रुपए कर रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।